डिस्ट्रिक्ट जंग से आने वाले नए असिस्टेंट कमिश्नर्स ने तहसील शोरकोट का तरबियती दौरा किया है। उन्होंने टीएचक्यू शोरकोट, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस, कश्मीर शुगर मिल्स और तहसील ऑफिस शोरकोट का भी विजिट किया है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियास अहमद मुगल ने इनको मुख्तलिफ महकमाजात के बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग भी दी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मौजूद हूँ तहसील ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलूँ, तहसील ऑफिस शोरकोट में आज असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल के साथ यहाँ पर न्यू कमिंग जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो डिस्ट्रिक्ट जंग में उनकी तैनाती हुई है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे आज के इनके इन पूरे ग्रुप्स का जो ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं, उनका मिशन क्या था, उनका मकसद क्या था और क्या मिशन क्या बताएंगे आज इस हवाले से कि आपके पास न्यू कमिंग असिस्टेंट कमिश्नर जो अपॉइंट हुए हैं वो आए हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, हमारे ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के 8 ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट से। ये डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो वर्किंग है, इसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर की वर्किंग है और इसके अलावा जितने भी ऑफिसर्स की वर्किंग है, उसको देखने के लिए कि गवर्नमेंट की मशीनरी फील्ड में किस तरह काम करती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किस अंदाज से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसका मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे गवर्नमेंट ने इन्हें बेचा। तो आज ये हमारे पास आए, ये अभी सारा हमने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस विज़िट किया है, तहसील ऑफिस विज़िट किया है, इसके अलावा हमने टीएचक्यू विज़िट किया है, पोलियो की टीम्स विज़िट की हैं, राजी रिकॉर्ड सेंटर विज़िट किया और शुगर मिल का हमने इनको विज़िट किया है और साथ में म्यूनसिपल कमेटी का विज़िट करवाया और ये सारी की सारी गवर्नमेंट की मशीनरी को वर्क करता हुआ देख। सर, आज आपने विजिट किया है, आपने क्या स्पेंड किया, आप न्यू कमिंग है, आप क्या लगा कि किस तरह का आपका विजिट रहा आज का? आज का विजिट हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट देखे हैं। हम टीएचक्यू में गए थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह जो जो लोग हैं उनको उनके उनके जो मसाइल हैं उनको देखा जा रहा है। इस तरह आज यहाँ पर हमने देखे कि किस तरह डिजिटलाइजेशन हो रही है और आवाम के जो मसाइल हैं उनको उनके डोरस्टेप पे उनको ऑनलाइन तरीके से उनको सही किया जा रहा है। मैडम, आप बताइए कि आप भी न्यू कमिंग डिस्ट्रिक्ट में आप आए और आज तहसील शोरकोट विजिट किया, इसमें नियाज अहमद मुगल साहब आपके साथ हैं, तो आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वर्किंग हो रही है कैसी हो रही है और आपने क्या सीखा यहाँ से? जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सीखी हमने यहाँ से। पहले यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम का हमने हैंडल एक्सपीरियंस लिया है कि कैसे वर्किंग करता है सारा। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, जो यहाँ का लोकल हॉस्पिटल है, उसके अलावा जो रूरल सेंटर है, पोलियो की जो टीम है, हमने उनकी वर्किंग देखी है, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। तो आई होप कि हम यही मॉडल रेप्लीकेट करें जब हम सर्विस में आए। जी बिल्कुल, एंटरटेनमेंट जो यहाँ पर कर रहे हैं उनको उन्होंने भी अच्छी जो उनके विजिट रहा उनका ये